और इन में अगर आप देखें तो बी एस इंग्लिश में ये थ्री लेक्चर्स हैं तो ये सिर्फ बी एस इंग्लिश में है सिंगल क्लास है तो इसको तो हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप ये आ, इंग्लिश फ़ोर टू वन का अगर कोर्स देखें तो ये मेरा बी एस केमिस्ट्री जोलॉजी में भी है ये मेरा बी एस मैथ्स में भी है और बी एस फिज़िक्स में भी है मतलब थ्री क्लासेज़ मुझे एट अ टाइम पढ़ानी हैं इस लेक्चर नंबर टू में जो कि टू फोटी टू थ्री ट्वेंटी तक मेरा लेक्चर होना है थ्री uh, क्लासेस में एक ही टाइम में हो रहा होना इसका मतलब मुझे अब इस तरह से मीटिंग कैजुल करनी है कि मेरी ये तीनों क्लासेस इकट्ठे मीटिंग ले सके और यहाँ सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या आएगी कन्फ्यूजन ये आएगी कि देखें आपकी बी एस केमिस्ट्री जोलॉजी की अलहदा क्लास है एग्ज़ाम्पल uh, के तौर पर मैं दे रहा हूँ आपकी कोई भी क्लास हो सकती है बी एस फिजिक्स अलहदा है और बी एस मैथमेटिक्स अलीहदा क्लास है तो मुझे इन तीनों क्लासेस में मीटिंग सेम स्केजल तो मैं नहीं कर सकता इसमें अलदा स्केजुअल करूंगा इसमें अलदा स्केजुअल करूंगा इसमें लदा स्केजूअल करूंगा बट स्टूडेंट्स मेरी एक ही क्लास में कैसे होंगे क्योंकि मैं तो इन तीनों में से किसी एक क्लास में पढ़ा रहा मेरे इन तीनों क्लासेज में से स्टूडेंट एक ही मीटिंग में कैसे पहुँचेंगे हमने ये सीखना है तो इसके लिए बड़ा ईजी प्रोसेस है स्टूडेंट्स आपने जैसे ये मैंने बी एस केमिस्ट्री जोलॉजी को ओपन किया इसमें मैं एक मीटिंग स्केजुअल कर लूँगा ये मेरा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि मैं इन क्लासेस में सब में पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने इस चैनल में गया कम्युनिकेशन स्किल्स को ओपन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने आ, अपने बीएससी केमिस्ट्री जूलॉजी में एक मीटिंग स्केड्यूल कर ली और मैंने मीटिंग एग्जैक्टली स्केड्यूल की मैंने 240 पे मैं इस मीटिंग पर डबल क्लिक करके इसकी डिटेल्स में चला जाता हूं तो गौर कीजिएगा मैंने 242 320

को मिस मिसकेजुअल करने के लिए आपको मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी मैं दोबारा बता रहा हूं दूसरी क्लासेस में क्लासेज करने के लिए आपको जिस इन में से किसी एक क्लास में देखिए मेरी तीन क्लासेस इकट्ठी ज्वाइन होनी है तो मैंने तीन क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए पहले एक में मीटिंग स्केजुअल की है सिर्फ एक में और उसके मीटिंग को ओपन करके मैंने मीटिंग को ज्वाइन कर लिया ओके आई हैव द मीटिंग अब आपने इन थ्री डॉट्स पर क्लिक करके आपने मीटिंग uh, डिटेल्स पर चले जाना है और वहाँ से कॉपी ज्वाइन इन्फो आपको नज़र आ रहा है मीटिंग डिटेल्स में कॉपी ज्वाइन इन्फो इसको कॉपी कर लेना है और ये हो गया कॉपी टू क्लिप मैं दोबारा बता रहा हूँ इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करके आपने मीटिंग डिटेल्स uh, में चले जाना है ठीक है जी और मीटिंग डिटेल्स में आपको जाकर आपने कॉपी डिटेल्स कर लेनी है मीटिंग uh, की जो डिटेल्स हैं वो कॉपी कर ली अब आपने इस मीटिंग को एंड कर देना है लीव कर देना है दोबारा आप अपने उन चैनल्स की तरफ जाओगे जो आपके सारे क्लासेस जनरेटेड है अब मैंने बी एस फिजिक्स में भी उसी टाइम पर चूंकि क्लास लेनी है तो मैं बी एस फिजिक्स में जाऊंगा, जहां मेरा जो चैनल क्रिएटेड है कम्युनिकेशन स्किल्स का मैंने चैनल यहां भी क्रिएट कर रखा है चूंकि मीटिंग मैंने सेम टाइम पर लेनी है तो मैं यहां अब मीटिंग कैजुअल नहीं करूंगा सेपरेट क्योंकि यहां करूंगा यह तो ये तो सेपरेट मीटिंग बन जाएगी मैं उसी मीटिंग का लिंक यहां पेस्ट कर दूंगा मैं यहां जाऊंगा इसको क्लिक करूंगा न्यू कन्वर्सेशन पर और मैंने कंट्रोल वी करके जो मैंने पीछे मीटिंग का लिंक कॉपी किया था वो यहां मैंने पेस्ट कर दिया करें माइक्रोसॉफ्ट टीम मीटिंग और ये लिंक इस तरीके से पेस्ट हो गया स्टूडेंट इस लिंक पर यहां क्लिक है टू ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन आपने काम करना है आपके लिए इजी हो जाएगा स्टूडेंट के लिए इंफॉर्मेशन इजी हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग यहां आपने जो है अपनी जो मीटिंग है उसकी इंफॉर्मेशन ऐड कर देनी है मतलब चुके ये मीटिंग मंडे को है और मंडे को किन टाइमिंग्स पर है जी यस दैट वुड बी टू फोर्टी पीएम टू थ्री ट्वेंटी पीएम इस तरीके से स्टूडेंट को क्लियर हो जाएगा कि उसको मंडे को टू फोर्टी पीएम टू थ्री ट्वेंटी पी एम इस पर क्लिक करके मीटिंग को ज्वाइन करना है और जैसे ही आप सेंड करेंगे जहां आपने एक मीटिंग की है। जो एक क्लास में आपने मीटिंग स्केजुअल कर लेनी है दो की आपने इकट्ठी करनी है तीन की इकट्ठी करनी है चार की इकट्ठी करनी बेश की इकट्ठी करनी हो उनमें से किसी एक में आपने स्केजुअल करनी है और बाकियों में आपने मीटिंग की डिटेल्स कॉपी करके जाके न्यू कन्वर्सेशन स्टार्ट करके पेस्ट कर देने लेकिन उससे पहले मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपने लाजमी तौर पर यह लिख देना है मंडे टू फोटी पी एम थ्री ट्वेंटी पी एम या जो भी आपकी मीटिंग का टाइमिंग है ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे वो आपने लाजम उसका टाइम लिख देना है इस तरह ये मैसेज शो होता रहेगा और स्टूडेंट क्या करेगा जब उसका मंडे को टू फोर्टी टू तु, होगा तो ये देखें क्लिक है टू ज्वाइन मीटिंग वो इस पर क्लिक करेगा और वह अपनी मीटिंग में पहुंच जाएगा और exactly आपके उसी एक क्लास में पहुंचेगा और सिर्फ इस क्लास को लेने के लिए वो आपके क्लास में आ जाया करेगा ओके इन योर क्लास क्लास में डायरेक्ट इधर से उधर रीच कर जाया करेगा। तो, can, uh, और यही काम आपने uh, दूसरी क्लासेस में भी जाके करना है जी, कि आपने uh, फर्ज करें कि बी एस मैथमेटिक्स में भी वही मीटिंग Uh, उन्हीं बच्चों को वही क्लास में उसी मीटिंग में ज्वाइन करवाना है तो वहाँ भी जैसे मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर जाना है और यहाँ गौर करें मैं पहले से वो काम कर चुका हूँ कि 2:40 फोर्टी पी एम टू थ्री ट्वेंटी पी एम वो मीटिंग डिटेल्स यहाँ पहले से कॉपी कर चुका हूँ सो देट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट यू कैन कॉल मी थैंक यू वेरी मच